वेलकम टू एस एकेडमी। आज हो गया 21 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के PDF डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य सरकार में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य का त्यौहार है? और आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, पंजाब और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका केरल, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, लेकिन COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ है, जिसके कारण 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और इसके रिजल्ट के कारण हमारा जो त्यौहार था ये पहली बार रद्द कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि त्रिशूर पूरब उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान बहुत ही ज़्यादा है, जो कोचीन के महाराजा 1790 से लेकर 1805 के थे, और उन्होंने ही यह त्यौहार स्टार्ट कराया था मनाना। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये किस दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की जो थीम है, इसका थीम रखा गया है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, यानी शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और भविष्य के लिए संरक्षित करना है। वैश्विक स्तर पर COVID-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिन को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है, और आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया अभियान जैसे कई गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के बहुत ही विश्व विख्यात प्लेयर रह चुके हैं। और 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मलयालथुलुई में हुआ था इनका जन्म, और उन्होंने 6 साल की उम्र से ही अपनी माँ से शतरंज खेलना सीखा था। और विश्वनाथन आनंद की शतरंज में दुनिया में काफ़ी चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है, और अपने ज़माने के हर खिलाड़ी को मात दी है। वो साल 2003 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने थे, और वे अपने समय के दृढ़ खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? यानी ई वीज़ा का जो वैलिडिटी था ये बढ़ाकर केंद्र सरकार के द्वारा कितने तारीख तक कर दिया गया है? तो ये अब 3 मई तक कर दिया गया है, और 3 मई तक ही पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस नहीं ली है, और पहले चरण के लॉकडाउन में भी विदेशियों के वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी, और इस बार भी दूसरे चरण में भी इसे बढ़ाया गया है 3 मई तक, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है, इस राज्य का नाम क्या है? और यहाँ पे के चंद्रशेखर राव ये आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तेलंगाना,
यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सी। तेलंगाना के ये मुख्यमंत्री है और इन्होंने घोषणा किया है कि जो हम लॉकडाउन रहेगा तेलंगाना राज्य में वो 7 मई तक रहेगा और यहाँ 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेगी और तेलंगाना सरकार ने 7 मई तक लॉकडाउन का बढ़ाने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किसान रथ। किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री, जो कि आपके यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर है भारत के कृषि मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और इस अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 यानी पंचायत राज एक्ट 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो था 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया में अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता है और आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु वाले, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत यानी ऑप्शन डी और बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान देखा गया है कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत सी आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकताओं पर और अधिक सुधार के प्रयास कर रही है और नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक शोध संस्थान है और यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टीवीएस। टीवीएस ने अधिग्रहण किया है और देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी की 153 करोड़ में खरीदा है, तो इसे भी आप यहां देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एवं पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितना प्रतिशत रहेगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.8%। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है और वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एवं पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्ण अनुमान जारी किया है और रेटिंग के अनुसार जो भारत की जीडीपी रहेगी वो 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% घट गया है। तो एजेंसी का यह भी चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस प्रकोप का यह चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा है और कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है।
तो ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने टॉप क्वेश्चन देखे थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी बैंकिंग रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।